So what's up everyone, welcome back to my channel. Firstly, thank you so much for your lovely response and the love which you all have given me for my YouTube channel. I am so grateful to you all. So guys, today's video is all about, aaj ki video hone wali hai about deworming of puppies. Puppies jo hote hain unke deworming ke bare mein. But before starting this video, I would like to tell you about deworming kya hota hai. Deworming basically is a process जिसमें कि जो भी न्यूबॉर्न होता है, इनफैक्ट इन ह्यूमन ऑल्सो, किसी भी जानवरों में, वो जब भी मदर के पेट से निकलते हैं, उनके पेट में अगर छोटे कीड़े होते हैं जो कि आप कुछ भी उसको फीड देते हो तो उनके बॉडी में वो नहीं लगता. सो इट्स बेसिकली अ प्रोसेस जिसमें आप उसको दवाई देते हो और जितनी भी उसके पेट में अगर गंदगी कुछ रहती है वो बाहर आ जाते हैं, वेस्ट पार्टिकल्स, एंड फिर आप कुछ भी फीड डालोगे तो वो उसके बॉडी में प्रॉपरली लगते हैं, यूटिलाइज होते हैं. एंड गाइज, आई वुड लाइक टू टेल यू कि इस प्रोसेस के लिए मैंने खुद अपने वेटनेरियन से कंसल्ट करके मैं ये प्रोसेस कर रहा हूँ. और मैंने सोचा क्यों ना इस प्रोसेस को मैं आप लोगों के साथ रूबरू करवाऊँ, क्यों ना इस प्रोसेस को मैं आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि अगर आपके पास भी पपीज हैं घर में तो शायद आप भी ये चीज़ कर सकते हो. एंड गाइज, टुडे इज 28th डे ऑफ द पपीज, सो आई थिंक इट्स परफेक्ट टाइमिंग फॉर द डिवॉर्मिंग. मैंने अपने वेटनेरियन से भी बात की थी, उसने भी मुझे हाईली रिकमेंड किया था. एंड गाइज, आई रिमेंबर मैंने आप लोगों से बोला था अबाउट माई कमेंट सेक्शन ऑन यूट्यूब. आई डोंट नो वाई यूट्यूब मेरा कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दिया है. मैंने कभी उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया था, बट आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि मैं उसको ओपन कर दूंगा. बट आई डोंट नो फॉर वॉट रीजन, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट बट इट्स नॉट वर्किंग. बट आई थिंक मैं इसको और भी चेक करवाऊंगा, देखता हूँ अभी कैसे क्या होता है. बट वीडियो को बने रहे और मैं आगे आप लोगों के साथ प्रोसेस शेयर करता हूँ. सबसे बड़ी बात कि तीन ब्राउन है और दो ब्लैक है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं किसी एक पपी को खाना ऑलरेडी दे चुका हूँ, फीड ऑलरेडी डाल चुका हूँ, बट फिर भी नहीं समझ में आता. सो दीज आर द रिबन्स फॉर माई पपीज. इससे मैं आसानी से आइडेंटिफाई कर पाऊंगा. अगर आपके पास पपी, आपके घर में पपीज है, देन आई थिंक यू शुड ऑल्सो, यू नो, अगर आप जर्मन शेफर्ड वगैरह रखते हो तो उसमें तो और डिफिकल्ट होता होगा मुझे लगता है. गाइज, आई विल सजेस्ट कि अगर आप रिबन बांधेंगे तो इसको थोड़ा सा लूज रखें, क्योंकि उनके नेक पे भी चोक हो सकता है. सो एटलीस्ट एज यू कैन सी, मैंने एक फिंगर का गैप लेकर के बांधा है, एंड दिस इज फॉर टेम्प्रेरी पर्पस. और मैं कुछ दिन में ये लोग के लिए एक छोटा सा कॉलर भी ले लूँगा. सो माई दिस पपी इज रेडी, लेट मी शो यू ऑल. Though he looks like a superman, super dog, superman's super dog. So guys, here's my second puppy. As you can see, iske face pe full wrinkle hai. So guys, aap logo ko ek suggestion dunga, agar aapke ghar mein puppy hai then please uski achhi se dekhbhal kare. ऐसा नहीं है गाइस कि सबके घर में ये मौका सबको. सो गाइस, हियर आर द पपीज. मैंने सभी लोगों को रिबन बांध दिया है एंड ये है पेपर, और अभी मैं इन सबकी डिवॉर्मिंग करने वाला हूँ. सो गाइस, दिस इज द लिक्विड सिरप विच आई एम यूजिंग फॉर माय पपीज. ये लिक्विड सिरप है डिवॉर्मिंग का, जो मैं अपने पपीज लोग के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ, और मैं इसे आप लोगों के सामने ओपन करूँगा. सो यू गेट वन, ये आपका सिरप है डिवॉर्मिंग का, मैं कैमरा के सामने शो कर देता हूँ. इस लिक्विड के साथ आपको एक ड्रॉपर भी मिलता है. आप इसमें 10 ml तक की इसकी कैपेसिटी है. आप इसमें 10 ml तक इसको फिल कर सकते हो. यदि आपके पास अगर ये इससे अगर आपको नहीं है, अगर आपके आपको सही लग रहा है, देन यू कैन इवन यूज़ अ सीरिंज. जो इंजेक्शन होता है उसके ब्लेड को आप हटा करके सीरिंज से भी यूज़ कर सकते हो. आई विल शो यू ऑल कि मैं अपने पपीज को भी डिवॉर्म करूँगा, आप लोगों के सामने डिवॉर्मिंग प्रोसेस करूँगा. सो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि उसे कैसे यूज़ करते हैं. सो गाइज, दिस इज़ द मेडिसिन, दिस इज़ द लिक्विड डिवॉर्मर. मैं यहाँ पर सीरिंज यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इससे हैबिट है पपीज को डिवॉर्म करने की. एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि आप कभी भी डिवॉर्मिंग करें तो अपने पहले वेटनेरियन से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि डिवॉर्मिंग करने से पहले पपीज़ का वेट चेक होता है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसे डिवॉर्मर लिक्विड सिरप दे सकते हो. सो फर्स्टली यू शुड शेक इट वेल बिफोर द यूज़. तो मैं आपको दिखलाता हूँ.
अगर आप खोलेंगे तो ऐसा कुछ आपको मिलेगा, एंड अगेन यू हैव टू ओपन इट। ओके एंड नाउ आप इसे सीरिन से इसमें फिल कर ले जितना भी आपके। सो गाइज आई हैव टेकन द 2.5 लिक्विड सिरप। अब नीचे सो नाउ आई विल टेल यू ऑल कि इसको कैसे करते हैं। रुक जाओ। स्लोली इसके माउथ को ओपन करें। एक सेकेंड, ये थोड़ा शैतान है। स्लोली इसके माउथ को ओपन करें एंड एक स्लोली इसके माउथ को ओपन करें। आई विल शो यू ऑल। रुक जाओ एंड देन ये स्लोली इसे दें, एक बार में ना दें क्योंकि छोटे पपीज होते हैं तो उनको सफोकेशन सा फील होता है। स्लोली उन्हें करें। रुक जा। यस, सो इस पपी का डिवॉर्मिंग हो गया। एज यू कैन सी इसे थोड़ा टेस्ट वियर्ड लग रहा है इसके चलते ये इस तरीके से कर रहा है। सो आई लीव दिस वन। सो गाइस दिस वन इज द फिफ्थ पपी। अब इसकी डिवॉर्मिंग भी मैं कर ही दे रहा हूँ। हो गया। सो गाइज ऐसे होता है पपीज के डिवॉर्मिंग। आई होप आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।